राजस्थान में लोकसभा की 12 सीटों पर पहले चरण में मतदान होंगे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बार यहां पर लोकसभा के चुनाव में भाजपा और कांग्रेस की तरफ से कोई मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में नहीं है, जबकि हर बार कांग्रेस की तरफ से कोई न कोई मुस्लिम प्रत्याशी मैदान में रहता है, हालांकि उनमें से भी किसी को जीत नहीं मिली। आंकड़ों में देखें तो कांग्रेस ने 2009 में चूरू से मकबूल मंडेलिया, 2014 में टोंक सवाई माधोपुर से पूर्व क्रिकेटर मोहम्मद अजहरुद्दीन और 2019 में चूरू से ही रफीक मंडेलिया को टिकट दिया था। तीनों बड़े वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। कांग्रेस मुस्लिम को उम्मीदवार बनाती रही है, लेकिन इस पर पहले चरण में एक भी प्रत्याशी नहीं उतारा है। कांग्रेस सूत्रों का कहना है कि इस बार मुस्लिम प्रत्याशी खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। हालांकि आदर्श नगर से दूसरी बार के कांग्रेस विधायक रफीक खान जयपुर से चुनाव लड़ना चाहते थे, मगर उन्हें टिकट नहीं मिला। राजस्थान में अभी तक कांग्रेस ने 9 से 10 मुस्लिम नेताओं को 13 बार लोकसभा में उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस ने महबूब अली को बीकानेर से मैदान में उतारा था। वसुंधरा राजे के खिलाफ कांग्रेस ने वर्ष 1999 में डॉक्टर अबरार अहमद को टिकट दिया था और जो चुनाव हार गए थे। झुंझुनू लोकसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर अयूब खान 1984 और 1991 में चुनाव जीते थे। उनके अलावा कोई भी मुस्लिम चुनाव जीत नहीं पाया है। आंकड़ों की माने तो राजस्थान में अल्पसंख्यक आबादी 11% से अधिक है। प्रदेश के 11 लोकसभा क्षेत्र में 17% तक मुस्लिम आबादी है। इसके बावजूद कांग्रेस और बीजेपी दोनों दल किसी सीट से मुस्लिम को प्रत्याशी नहीं बना रहे हैं। हालांकि अलवर से बसपा ने एक मजबूत मुस्लिम चेहरे को टिकट दिया है। गंगानगर, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर शहर, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, दौसा और नागौर 12 सीटों पर पहले चरण के लिए 19 अप्रैल को मतदान होंगे।